नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 और 6 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग जो सुबह सुबह ये लेक्चर देख रहे हैं, और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके मुझे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं जो सुबह देख रहे हैं। शाम को देखने वाले लोग गुड इवनिंग बोल सकते हैं, दोपहर में देखने वाले लोग गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई सही चल रही होगी आपकी। करंट अफेयर्स जो पढ़ाया जा रहा है, पीसीएस रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ फीडबैक देना चाहें आप लोग कि नहीं सर इस तरह से भी आप कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस चीजों को इंप्लीमेंट कर सकूं, अगर मुझे लगेगा कि पीसीएस के लिए सही है तो। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो करंट अफेयर्स है ये पीसीएस रिलेटेड है, वन डे एग्जाम वगैरह के लिए को टारगेट नहीं कर रहा। हो सकता है आ जाएगा इसमें से, लेकिन ना मैं यूपीएससी टारगेट कर रहा हूं ना वन डे एग्जाम टारगेट कर रहा हूं। पीसीएस यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स, जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये तो है ही है, बाकी और भी कंटेंट बहुत सारा रहता है। वो ऑनलाइन कोर्स जो है करंट अफेयर्स का वो 999 रुपए में अवेलेबल है। कोई अगर चाहे तो 9919521555 पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। चलिए अब पहला सवाल करते हैं, हाल में भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया गया? तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया गया। लेकिन सवाल ये आएगा नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, जीके वाला क्वेश्चन है, पीसीएस में नहीं आएगा। पीसीएस में सवाल क्या आएगा? सागरमाला प्रोजेक्ट। वैसे पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या आपको पता है सागरमाला प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? ये मैंने क्यों जोड़ा, नेवी से क्या आ रहा है? वैसे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट देना था कि क्या दिमाग में आता है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत फेमस रहा है, इसके अंदर भारत सरकार की कोशिश रही है जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, कोस्टल गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की, कर्नाटक की, केरल की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनकी जो कोस्टल लाइन्स है इसको आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, इसमें छोटे पोर्ट्स और बड़े पोर्ट्स इन सबको आपस में कनेक्ट करना, जिसके कारण से जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो बेहतर तरीके से हो जाए, और इसे कहते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेंस में भी आपके आ सकता है, प्री में तो आपको थोड़ा सा रखना ही है, लेकिन मेंस में तो काफी अच्छे तरह से इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने आंसर्स में लिख सकते हो, सागरमाला प्रोजेक्ट कहा जाता है इसके अंदर। ठीक है, वैसे अच्छा अब क्वेश्चन एक बन जाता है ये ना, पोर्ट लेड डेवलपमेंट अलोंग द इंडिया 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? मतलब कौन मिनिस्ट्री देख रही है सागरमाला को? देख रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है इस प्रोजेक्ट को ध्यान देती है। और जैसे मैंने इसके अंदर कहा कि इसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे, हिंटरलैंड एंड इफेक्टिव इवैक्यूएशन सिस्टम थ्रू रोड्स, रेल्स, इनलैंड कोस्टल वाटरवेज, इन सबसे सारे पोर्ट्स जो हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा। चलिए, किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकिंग बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर प्रोसाइड है? विच बैंक हैज वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बाइस फॉर द इंडिया सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल बैंकिंग समिट? कहने का मतलब यह है कि भाई बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे देता है? तो बैंकर्स बैंक अवार्ड जो है कैनरा बैंक ने जीता है, ये एक सवाल बन जाएगा। आप देख लीजिएगा बैंकर्स बैंक जो अवार्ड है वो कैनरा बैंक ने जीता है। ठीक है, कैनरा बैंक का आपको लोगो पता ही होगा, वैसे लोगो पूछते नहीं, जैसा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, लोगो ऐसा बना होता है। ठीक है, इमेजिन कीजिए शायद बन जाए, देखते हैं आपका फोटोग्राफिक मेमोरी है कि नहीं है। कि अगर मैं पूछूं कैनरा बैंक का लोगो आप बना पाओगे, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लग जाएगा कि आपकी जो आंखें हैं और आपका जो दिमाग है बिल्कुल आपस में बढ़िया कनेक्टेड है, कि किसी चीज को देखते ही वो फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में कैप्चर कर लेती है। मैं तो नहीं बना पाया, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है, बना नहीं पाया। देखते आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो, और अगर बना पाते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मैंने बना दिया था उनका जो लोगो है कैनरा बैंक का, जस्ट फॉर फन। लेकिन यहां पर फन नहीं करेंगे, यहां थोड़ा सा एक क्वेश्चन को एक जीके के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये पीसीएस रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत फेमस है आरआरबी जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। सवाल कई बार पूछा गया पीसीएस में, भैया आरआरबी जो है उनका गठन कब हुआ था? तो 1975 में आरआरबी का गठन हुआ, 50 बार आता है, रिवाइज करा रहा हूं आपको। सेबी का कब हुआ? 1988 में। नबार्ड का 1982 में। ये बहुत जीके वाले सवाल हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसलिए बस मैंने कहा चलो बैंक से सवाल पूछा जा रहा है तो आपको बताना चाहिए। आरआरबी 75 में, सेबी 88 में और नबार्ड 1982 में। नबार्ड क्या होता है, कुछ क्या पता नबार्ड का काम क्या है? अब
पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख देना कि सर मुझे सेबी के बारे में नहीं पता, ठीक है मैं बताऊंगा आपको। अब बैंकिंग सेक्टर की कुछ टॉप स्कीम्स हैं, मैंने यहां पे सिर्फ 3 स्कीम्स के यहां पे किया, वैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं बट ज्यादा स्पेस और टाइम का प्रॉब्लम था तो मैंने सिर्फ 3 स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री वय वंदना वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है PMVBY जो है वो जो बुजुर्ग हैं, ठीक है एल्डरली पर्सन जो 60 साल से ज्यादा हैं, तो उनको जो है अगेंस्ट फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू द अनसर्टेन मार्केट कंडीशन एज टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी कि ऐसी योजना प्रधानमंत्री वंदना योजना जिसके अंदर 60 साल से ज्यादा लोग बुजुर्ग लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना, जिसके कारण जिससे कि जो अनसर्टेन मार्केट कंडीशन है उसमें वो ट्रैप ना हो जाए और उनकी जमा पूंजी है वो खत्म ना हो जाए, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पर बुजुर्गों के ध्यान रखते हुए उनको सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई है। कई बार पूछा जाएगा तो आप बोलना ओल्ड एज पीपल या कब इस तरह का सोशल सिक्योरिटी वाली चीज है ये, ठीक है। एक स्कीम बड़ी पुरानी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ना ये 2016 में आई थी, मोदी जी जब पहले टर्म में थे तो उन्होंने स्टैंड अप स्कीम स्टार्ट की थी। ये भी बड़ी बैंक से संबंधित है जहां पर बैंक जो है लोन देते हैं लगभग 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में, अब हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो लेकिन इतना देते थे। और किसको देते थे कि कम एटलीस्ट 1 SC ST और 1 महिला को तो देना ही पर बैंक पर ब्रांच, ठीक है यानी कि हर ब्रांच की जिम्मेदारी है कि वो SC ST और महिला को लोन दे 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच के अंदर। स्टैंड अप स्कीम है ये, स्टैंड अप स्कीम ध्यान रखिएगा, बहुत क्लोज रिलेटेड स्कीम्स हैं स्टैंड अप। अभी एक और आएगी मुद्रा आएगी, सबका मतलब होता है समझिएगा। तो स्टैंड अप स्कीम जो है वो सबको लोन दे रही है और कह दी कि एटलीस्ट हर ब्रांच के अंदर 1 SC 1 ST और 1 महिला को तो लोन मिलना ही चाहिए चाहिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच के अंदर, ठीक है। और खासकर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग सेक्टर को ध्यान रखते हुए जो है लोन दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि चलो लोन देने की स्कीम तो है ही है लेकिन एक स्कीम और है, इसका नाम है मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें क्या फर्क है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 2015 में स्टार्ट हुई, ठीक है। और इसमें क्या बोला कि इसमें 3 सेगमेंट है, 50,000 के अंदर वाला सेगमेंट है 0 to 50,000 जिसको हमने बोला शिशु लोन, ठीक है। फिर एक आया 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में, इसको बोला किशोर लोन, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में आया उसको तरुण लोन, ठीक है। और ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शिशु किशोर तरुण लोन है, 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है और इसके अंदर आपको कोई भी कोलेक्ट्रल नहीं देना, यानी कि आपको कोई गिरवी नहीं रखना, मकान वकान गिरवी रखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोनों ही लोन है अलग है, एक है कोलेक्ट्रल वाला एक है बिना कोलेक्ट्रल वाला। कोलेक्ट्रल वाले जो है वो स्टैंड अप वाले हैं जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, बस उसमें यह है कि SC ST और महिलाओं को मिलना चाहिए, हर पर ब्रांच मिलना चाहिए, ठीक है कम से कम 1 को तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मुद्रा वाले जो है वो 10 लाख के अंदर रखती है, शिशु किशोर तरुण नाम के 3 इनके सेगमेंट्स हैं और कोलेक्ट्रल नहीं होता इसके अंदर, कोई आपको गिरवी रखना नहीं होता। तो ये फर्क है, माइन्यूट छोटे छोटे फर्क है जिसको समझना बहुत जरूरी है तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। चलिए किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया प्रोजेक्ट GIB को लॉन्च करा जाए दोबारा से। क्या है GIB? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये है आपका द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसकी बड़ी कहानी अच्छी है, ये पक्षी है और ये पक्षी जो है एक समय था जब हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी बन जाता, ये माइग्रेट होके आता है कहीं और किसी और देश से आता है माइग्रेट होके, और राजस्थान और गुजरात में ज्यादातर ये मिलता है, राजस्थान और गुजरात में अमूमन ये मिलता है माइग्रेट। एक पक्षी है जो कि आजकल फिलहाल बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी जान बहुत खतरे में है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, मात्र 50 से लेकर 250 ही बचे हुए हैं, क्योंकि शिकार किया हमारे राजाओं ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेज आते थे तो राजा उनको ले आते थे, बोलते आप इनका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार कीजिए, तो शिकार करते थे। जैसे अंग्रेजों ने डोडो खत्म कर दिए ना, डोडो पक्षी हुआ करता था मुर्गे की तरह, लेकिन मुर्गे की तरह टेस्टी नहीं था खाने के लिए, बस शिकार करना और बस इस शौक ने डोडो खत्म कर दिए।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इन राजाओं और अंग्रेजों की वजह से खत्म होने के कगार पे आ गए। संविधान सभा में बात चली कि हमें हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो होना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब कॉम्पिटिशन था, एक तरफ था पिकॉक, एक तरफ था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो पिकॉक इसलिए जीत गया क्योंकि कईयों को लगता था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसको कहीं ये ना समझे ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, तो लोगों को लगा ये तो गाली हो जाएगी कि आपने बास्टर्ड बोल दिया। तो इस बात का डर रहा नेताओं को कि एक उपहास हो जाएगा, तो उसको बेचारे को हटा दिया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हटा के इसके अपने नाम की वजह से किनारे कर दिया गया और पिकॉक जीत गया रेस। पिकॉक ही तो है ना हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है वही होगा गलत हो तो बता दीजिएगा, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है यार चीजें, छोटी छोटी चीजें। चलिए ठीक है। अच्छा अब ये क्या ना, एक चीज और भी है, कोई बोलता है कि यार जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाए ना वैसे चलाओ, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो 90, अच्छा ये सवाल आया होता है 1973 में, ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था और जिस तरह से टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया गया, इस तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को प्रोजेक्ट GIB के तहत संरक्षित करके इन्हें इनकी पैदावार बढ़ाओ और काफी ये इनकी स्पीसीज बढ़ाओ और इनको आगे बढ़ाया जाए, स्पेशल अटेंशन दिया जाए। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद मुश्किल से समाज किया गया, वैसे कई सारे सीईओ को दिया गया है लेकिन फिलहाल समझिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई साहब को इस बार पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण और साथ में कई और लोगों को पद्म भूषण मिला। यह क्या तीन चीजें होती है, पद्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सिविलियंस में, सिविलियंस में ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण और इसमें पद्म भूषण किसे मिला है, जनरल VP बिपिन रावत मरणोपरांत मिला है, पूर्व CDS है, किरण सिंह जी भारत के यूपी के पूर्व CM इनको मरणोपरांत मिला है, प्रभा अत्रे शास्त्रीय संगीत गायिका है ठीक है, और राधा श्याम खेमका ये गीता प्रेस वाले हैं ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण जो किसको मिला है, कृष्णा सूत्रा एल्ला भारत बायोटेक जो कि कोरोना की दवाई बनाई इन्होंने, साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट इनको भी इन्होंने कोरोना की दवाई बनाई है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO और सुंदर पिचाई गूगल के CEO इन सबको पद्म भूषण मिला है। कुछ और लोगों को पद्मश्री मिला है, तो डैश द फॉलोइंग का सवाल आता है तो पद्मश्री तो काफी लोगों को मिलता है, तो आप देख लीजिएगा कि किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किस जुड़े हुए हैं तो आप क्वेश्चन सही कर पाओ। हाल में ही रहने के लिहाज से विश्व का कौन सा शहर सबसे महंगा है, तो सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से महंगा है। आपको क्या करना, आपको अपने गांव में रहो बढ़िया तरीके से, क्या महंगे शहर में रहने का मजा नहीं आता, महंगे शहर में। अब न्यूयॉर्क के अंदर ऐसा हालत है कि रेंट बहुत ज्यादा है, अब आप पता लगा कि आप 1 करोड़ कमा रहे हो और 40 लाख तो रेंट पे जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाके आपको बहुत मजे आ जाते हैं, सैलरी बढ़ती है बट खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ता है। एक अनुमान है कि मान लो जिस पद पे आप इंडिया में हो और उसी पद पे आप अगर अमेरिका में चले जाओ तो जो सैलरी रहती है, जो भी इंडिया और अमेरिका की सैलरी में तो फर्क है लेकिन सिस्टम में भी फर्क है, तो सर डबल का ही फर्क होता है बस। मतलब आपने मान लो यहां पर 10 लाख बचा लिया तो वहां पर उसी पद पे 20 लाख बचा लोगे या 25 लाख बचा लोगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया अगर एक पद पे आप यहां पर हो उसी हिसाब से वो जो पद अमेरिका में है तो यहां पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बस, ठीक है डबल का फर्क है, तो ऐसा भी कोई भागने की जरूरत नहीं है आपको, अब इंडिया में रहकर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और सिविल सर्विसेज तो बहुत ही बढ़िया है यार, अमेरिका वाले भी क्या मजे लेते होंगे जितना इंडिया के सिविल सर्वेंट मजे लेते हैं। किस राज्य ने पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू की है, स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी, उत्तर प्रदेश ने। क्या है भाई इसके अंदर, जो आपके बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही हैं उनके स्ट्रक्चरों की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि झेल मिल पाएंगे भूकंप भूकंप और इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, यहाँ पर जितनी ये हाई राइज सोसाइटीज हैं यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं ठीक है, इनका स्ट्रक्चर का ऑडिट कराया जाएगा और देखा जाएगा कि कोई खराब बिल्डिंग तो नहीं है, खराब है तो उसको जंक में डाल दिया जाएगा, तो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ऑडिट बिल्डिंग जो है बनाई जा रही है इसके अंदर, ठीक है अच्छी काम है, क्वालिटी देखना पड़ेगा। MCQ लेते हैं, When is the International Day of Person with Disabilities observed? विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है ठीक है, और ये 1992 में शुरू हुआ था ठीक है, और 3 दिसंबर को मनाया शुरू करते हैं, और UNGA ने इसका स्टार्ट किया था, UNGA यूनाइटेड नेशन आपको नाम सुना होगा, इसकी एक जनरल असेंबली होती है, इसके अंदर सभी लोग सारे मेंबर्स बैठते हैं, UNGA के अंदर सारे मेंबर बैठते हैं, जितने भी 200 से जितने भी UN के अंदर रजिस्टर्ड है सब होते हैं, और इन्हीं का एक होता है UNSC,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर परमानेंट 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर जो हैं बैठते हैं। इस समय इंडिया जो है टेम्परेरी मेंबर है, और आपको ये देखना है कि और कौन से टेम्परेरी मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें थीम क्या है इस बार की? थीम है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, समावेशी विकास के लिए प्रबंधनकारी समाधान, एक सुलभ और न्यायसंगत दुनिया को बढ़ावा देने के लिए नवाचार की भूमिका। अब जो अंग्रेजी में समझ जाए अंग्रेजी समझ लीजिए, हिंदी में हिंदी समझ लीजिए, थीम आपको यहां पर मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेटिव इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। इक्विटेबल यानी कि बराबरी की वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लगभग 15% पॉपुलेशन जो है वो आपकी डिसेबिलिटी का शिकार है किसी ना किसी रूप में, और इन 15 में से 80% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है, गरीब कंट्री के अंदर है, हमारा देश के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहां पर पोलियो की समस्या है, यहां पर बाकी बीमारी है, यहां पर रिस्क बहुत है लाइफ को लेकर। जितना देश अमीर होता जाता है उतने लाइफ को लेकर रिस्क कम होता है। अब यहां पर क्या गरीब बच्चा है, माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, बिल्डिंग में फैक्ट्री लगे पड़े हैं, ईट गारा मिट्टी उठाने में बच्चे वहीं खेल रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बच्चा खेल रहा है। अब मान लो बच्चे का हादसा हो जाए, कहीं गिर जाए, वो प्रिंस हुआ करता था बच्चा, वो गड्ढे में गिर गया, तो ऐसे हादसे इंडियन या गरीब कंट्री में बहुत संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अब मान लो बच्चा को गिर गया, उसको चोट लगी और वो चोट बहुत ही बड़ी हो गई, वो परमानेंट चोट हो गई, तो डिसेबल हो जाता है। अफ्रीका में थोड़ा सा माहौल सही है, कुछ छोटा भी काम करते हैं तो बगैर चश्मा वश्मा लगा के काम करते हैं वो, कि डिसेबिलिटी भी है। और दूसरी बात है, उनको हेल्थ ज्यादा फैसिलिटीज हैं, इंडियन सब अगर गरीब कंट्री की बात करते हैं तो उतना ज्यादा उपचार भी बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इसलिए गरीब कंट्रीज के अंदर डिसेबल लोग बहुत ज्यादा है। एज पर रिसेंट डेटा विच इज द ट्रेंड ऑफ इंडिया एनुअल रेट ऑफ HIV इन्फेक्शन बिटवीन 2010 से 2021, कह रहे डेटा जो आया ना, इस डेटा में HIV इन्फेक्शन जो है इसका क्या हालत है, तो देखिए डिक्लाइन किया है। HIV के जो HIV जो है एड्स का जो HIV वायरस है, ये तो एड्स हो गया इसको, तो इसमें हमने पिछले 10 साल के अंदर हमने डिक्लाइन होता देखा है, डिक्लाइन हो रहा है, लगभग 46% डिक्लाइन किया है। क्यों डिक्लाइन है? सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने ज्यादा बेहतर तरीके से लिए हैं, और दूसरी बात है मेडिकल साइंस ने भी डेवलपमेंट किया है अपने आप को। ठीक है, इसीलिए लोगों के मरने की दर भी लगभग कम हो चुकी है, काफी कम, 76% तक कम हो चुकी है, लोग हम कम मर रहे हैं, लॉन्गिविटी ज्यादा हो गई है, मेडिसिन ऐसी आ गई है जिसे हमने इसे एड्स को हमने कंट्रोल कर लिया। आज से 15 साल पहले एड्स एक बहुत बड़ा नाम होता था, अब शायद उतना सुनने को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं हमने अगर पूरी तरह खत्म नहीं तो कुछ हद तक उसकी स्पीड को हमने ब्रेक लगा दिया है। तो जैसे हो सकता है कि अगले 10 साल के बाद कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाएं कि एड्स फिर हम भूल ही जाएं, जैसे हमने चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स को भूल गए, वैसे हम एड्स को भूल जाएं। आपको क्या बताना है कि एड्स इज बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज, एड्स इज बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। Which High Court has banned use of mobile phones inside temple? Temple के अंदर मोबाइल ले जाना बैन कर दिया है किस हाई कोर्ट ने? तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला ना ना ना, पूजा करने जा रहे हो तो पूजा करो, ये मोबाइल वाल के दे, अब अगर आरती सुननी है तो सीख के आओ, वाला तरीका नहीं, आरती गाना लगा दिया और आरती कर रहे हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने फोन को बैन कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया काम किया। चलिए दोस्तों खत्म करते हैं, खत्म होने से पहले बता दें टेस्ट सीरीज जो है ना, ये UPPCS प्री की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, ये बहुत बढ़िया, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बेइंतहा तरीके से टेस्ट हो रहा है, बहुत की सबकी खिंचाई भी कर रहा हूँ, बैठ खूब खूब टाइट करके मैंने पढ़ा रहा हूँ सबको। ठीक है, 150+ टेस्ट रहेंगे, 499 वाले याला बैच है इसको ले सकते हैं, 150 से टेस्ट है, और एक है कुछ डंडा परेड वाले, तो अगर आप डिसिप्लिन है तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप वैसे हैं कि जब तक डंडा ना पड़े तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और गारंटी वाला काम कराएंगे कि हाँ भैया PCS प्री तो क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, कि आपको मार मार के आपको जो है प्री क्रैक करा देंगे। मार मार का मतलब फिजिकल मारना नहीं होता, एक बातों का मारना भी होता है, जलील करना भी होता है ना, क्या हो रहा है फोन टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो जलील कर करके जो है ना वो पढ़ाया जाएगा आपको, और इस तरह से टेस्ट दोगे, और मुझे पूरा यकीन है जब आपको लगातार रोज जलील किया जाएगा तो आप फिर आप क्रैक कर ले जाओगे एग्जाम, ये मुझे पता है, क्रैक कर ले जाओगे। तो अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो 9919521555 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।